पूरा मन टिकाने वाले लोग ही दुनिया में आगे से आगे गए, तरक्की की, सफलताएं पाई, और बिखरे हुए मन वालों के साथ समस्या यही है, वो 10 जगह कुआं खोदेंगे और पानी नहीं मिलेगा, 10 तरह के काम करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी, एक जगह टिके नहीं सकते, एक जगह उनको बैठने की आदत नहीं। और जितनी चंचलता उतनी बर्दाश्त करने की कमी, यह याद रख लेना, जिसमें ज्यादा चंचलता उतना ही तनक मिजाज, उतना ही मूड चेंज होते रहेंगे, उनके मूड एक जैसे नहीं रहते, अभी खुश और अभी नाराज। तो विषय ना बदले, मैं आपको यह कहूंगा कि मूड जो हमारे चेंज होते रहते हैं, पता लगता है कि हमारा मन मस्तिष्क कहीं बहुत कमजोर है। बुरा जल्दी मान जाना, दूसरे को बर्दाश्त न करना, गुस्सा करना, अपशब्द बोलना, रिश्ते बिगाड़ लेना अपने, ये हमारे व्यवहार में जो चीजें आती हैं, ये बाहर से नहीं आती। दुनिया खराब है ऐसा नहीं, दुनिया आप ही के लिए खराब है। इस दुनिया में जैसे लोग चाहते हो, जैसे आप हैं, वैसे आपको मिल जाएंगे। समान धर्मी व्यक्ति या समान धर्मी वस्तुएं समान धर्मी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती हैं, साइंस का नियम है। जैसे आप हैं वैसे लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करोगे, वैसे लोगों से मेल हो जाएगा आपको। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक तो सीखिए एकाग्रता, फोकस ठीक। दूसरा, जो आपको सबसे ज्यादा जिसमें ध्यान देना है, कि जो लोग भक्ति में जाना चाहते हैं या जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्हें प्रमाद रहित होना चाहिए। ये गहराई तक देखें कि कहीं आप आलसी स्वभाव के तो नहीं है। आलसी स्वभाव में कुछ और लंबी चीज चौड़ी चीजें होती हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, दीर्घ सूत्रिता बोलते हैं इसको, टालम टोल करना, न करने के 13 बहाने ढूंढना। कामचोर आदमी के पास बड़े तर्क वितर्क होते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए। बहुत सारी बातें बता देंगे आपको, जो होना है वो होगा ही, जो नहीं होना वो नहीं होगा, इसलिए आराम से खाट पर लेटो, जब मिलना होगा मिल जाएगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। ऐसी बातें बोलकर वो आदमी काम ही नहीं करना चाहते। और मेहनत की बात करो तो वो कहते हैं गधे घोड़े भी मेहनत करते हैं, तो उससे क्या हो गया, किस्मत में होगा तो अपने आप ढूंढ कर आएगा। और बात क्या, जो भाग्य में होगा भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है भाग ही जाएगा। इतना आलसी आदमी हो तो अगर आप सोच लीजिए, वो यही कहे जो मिलना होगा मिलेगा, तो उसको अगर कोई पागल कुत्ता मिल जाए तो उस समय वो कहेगा जो भाग्य में होगा होगा, अगर भाग्य में काटना लिखा है तो ऊंट पर बैठे हुए को भी काटेगा, तो भागने की जरूरत नहीं। आलसी से भी आलसी आदमी हो, कुत्ता पीछे लग जाए तो सिर पर पांव रखकर भागता है। जब आपको अपनी चिंता होती ना कि मुझे कुछ करना है, तो आप आलस्य नहीं करोगे। और जब आप फिक्र ही नहीं करते अपनी कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, मैं कहीं पहुंचूं, जब आप अपनी जिंदगी को प्यार नहीं करते, जब आपके पास भविष्य दर्शन है ही नहीं कि मैं अपनी जिंदगी को यहां तक ले जाना चाहता हूं, तो कर्म करोगे नहीं। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की चेष्टा करते हैं, दुर्भाग्य कितना भी हो उनके दुर्भाग्य की चट्टान को टूटना पड़ता है और फिर से सौभाग्य जिंदगी में आता जरूर है। इसलिए कर्म को महत्व दें, आलस्य को छोड़ें। बड़े तरह के लोग हैं दुनिया में, किसी ने कह दिया यहां पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो, बोले क्या करना चाहिए, उठो कुछ काम करो, क्या होगा उससे,
मेहनत करोगे कुछ पैसे आएंगे, बोले उससे और ज्यादा पैसे आएंगे, फिर बोले बड़ा बिजनेस करना, बोले बड़ा बिजनेस कर लिया तो और पैसे आएंगे, बड़ा मकान लेना, गाड़ियां लेना, बोले फिर आराम से बैठना, बोले पहले ही आराम से बैठा हूं, इतनी मेहनत करके आराम से बैठना पड़े, हम तो पहले आराम में। तर्क लड़ाना हो तो कुछ भी लड़ा सकते हो आप, और अगर करने पर आ जाओ तो फिर ये तर्क वितर्क नहीं, तब तो आदमी को टारगेट दिखाई देता है कि मैं अपने आप को अपने ख्यालों में, अपने सपनों में, अपनी जिंदगी को यहां बैठा हुआ देखता हूं, और फिर वो मेहनत करता है, फिर देवता साथ देने लगते हैं। एक समय होता है आदमी का, कुछ भी करोगे दुनिया टोकेगी, रोकेगी, मजाक उड़ाएगी, बुरा भला करेंगे, और ये जलने वाले आपके लिए रुकावट बनेंगे, लेकिन अगर सबको आप पार कर गए तो दुनिया हैरान होगी, अच्छा ये यहां तक पहुंच गया, इतना कर लिया इसने। जब इतिहास बनता हुआ वो देखते हैं तो उसके बाद वही लोग फिर आपके लिए तालियां बजाना शुरू करते हैं, और मजा तो तब है जब वो आपकी को देखकर ईर्ष्या भी करें, कमियां भी निकालें और नकल भी आप ही की करें, पता लगता है कि अब आप वहां पहुंच गए हो कि आपकी नकल भी हो रही है, और वो खीज मिटाने के लिए अब निंदा चुगली भी करते हैं, और उस स्थिति में वो सबको देखकर मुस्कुराता है और आगे बढ़ता जाता है, और अपने रब का धन्यवाद करता जाता है कि तेरी मेहर के कारण, कृपा के कारण मैं यहां तक पहुंचा। तो प्रमाद को जीतना सीखिए, आलसी कभी मत बनो, मन से भी नहीं बनो, अगर बुखार भी लेटा देना आपको, और रोज सैर करते हो और सैर का टाइम हो गया, आप उठकर नहीं जा सकते, बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठे बैठे मन में ये विचार करो कि जैसे आप उठकर जा रहे हो, पार्क का चक्कर लगा रहे, एक चक्कर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, हवाएं कैसी महसूस हो रही हैं, फूल कैसे खिले हुए हैं, हरियाली कैसी है, सूरज की किरणें कैसी सुबह सुबह महसूस हो रही, वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे तन अगर आज साथ नहीं दे रहा, मन को फिर भी तैयार करो कि जैसे सैर चल रही है। जो मन से भी आलसी नहीं होते वो तन से भी कभी आलसी नहीं होते, आलस्य पहले मन में आता है, आलस्य पहले मन में आएगा तब वो बहाने ढूंढता है, मैं कर तो लेता, चला तो जाता, ये तो हो जाता, लेकिन मेरा तो साथ देने वाले लोग नहीं थे, मेरे साथ तो ये घटा, मेरे साथ तो वो घटा। घटनाएं तो सबके साथ घटती हैं, लेकिन जो इन घटनाओं को, बाधाओं को पार करता हुआ अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ता, सम्मान तो उसी का होता है। इसलिए कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, तो प्रमाद ना करो भक्ति में भी, और प्रमाद ना करो किसी भी कार्य में। आखिरी तक अपने शरीर को चलाए रखने की आदत डालो। तीसरी बात कही, पहली बात तो आपने समझ में आ गई, एकाग्रता। दूसरी बात क्या समझ में आई? प्रमाद रहित जीवन जीना। और एकाग्रता में ये भी आपने कि अपने मूड पर काबू पाओ, ध्यान से याद रख लेना इसको, अपने मूड को वश में रखो, मनोदशा को वश में रखिए, कि ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ भी हमारे प्रतिकूल हुआ और हम वहीं फैल गए, जैसे बच्चे जो है वहीं जमीन पर लेटकर पांव पीटना शुरू कर देंगे, तो ये कमजोर मनोदशा है। विपरीत स्थिति वाले वातावरण में भी जो अपने आप को हिमालय की तरह टिकाए रखे और अपना काम आनंद से करता रहे, जो खिला रहे, प्रसन्न रहे और दूसरों को भी खिलाए रखे, कहते हैं बस वही आदमी जीवन जीना सीख गया है, और उसी को देखकर लोग नकल भी करते हैं कि इसको आता है जीना। जापान के बारे में मैं पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग, 100 साल से भी अधिक उम्र वाले लोग जापान में मिलते हैं,
घरों में सामान कम, पैदल चलना ज्यादा रुचि लेते हैं, मेहनत बहुत है, खुश रहने की आदत और बहुत सारी चीजें। क्योंकि हम जापान की कथा करने नहीं बैठे, पर आपको इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कोई विश्वास के लायक बना है तो कुछ न कुछ गुण तो उनमें है, हमें भी विश्वास के योग्य बनना है। तो अगली महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस पर आप लोग और ध्यान देंगे, निष्क्रियता पर काबू पाएं। समाज का बुरा, बुरे लोगों के कारण कम, भले लोग निष्क्रिय हैं इसके कारण समाज में ज्यादा समस्या आती है। कुछ बुरे लोग बुराई कर रहे हैं और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ लोग चोट पहुंचा रहे हैं, चीजें खराब कर रहे हैं, हम विरोध करने को तैयार नहीं। तो निष्क्रियता पर काबू पाइए, सक्रिय होना सीखिए, गतिशील। और मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप बुढ़ापे तक कर्मयोगी बनकर जियो, कर्मशील, हाथ पांव चलते रहें, काम करते रहो और अपने भरोसे स्वयं सेवक बनकर जीने की आदत होनी चाहिए। बढ़िया बात तो ये कि आप अपने घर में जाओ तो अपनी किचन से पत्नी ही थाली लेकर आए, वही परोसे और आप बैठे रहें, सहयोगी बनो, थाली लेकर आइए। बच्चों को भी सिखाओ कि अपनी थाली किचन से लेकर आए और उसके बाद खाकर थाली वहां रखकर आओ, और हो सके तो अपनी मदर का थैंक्स कर सके तो बहुत अच्छी बात है। विदेश में आप जाएंगे वहां तो समस्या भी है, मेहमान आएगा तो मेहमान को भी किचन से अपने थाली में प्लेट में भोजन लगाना है और लगाकर खाकर, थाली है तो साफ करके रखनी पड़ेगी, और अगर वो जो यूज एंड थ्रो वाली है तो उसको फिर डस्टबिन में रखना पड़ेगा और फिर थैंक्स करके जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है प्रत्याहार। ये बड़ा प्यारा शब्द है प्रत्याहार। को समझना हो तो आहार को समझिए। हमारी इंद्रियां भी भोजन करती हैं, आंखें अपना भोजन ढूंढती हैं, कान अपना भोजन, क्या पसंद आता सुनना, क्या देखना पसंद आता है। भटकती हुई आंखें, भटकता हुआ मन या हमारे कान भटकाव की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जो सुनना है, जिधर जाना है वही सुनिए, जिधर जाना है वही देखिए, जिसमें आपका हित हो उसी के बारे में चिंतन कीजिए। जब ये चीज आपको आ जाती है तो आपकी जिंदगी में सफलताएं आती हैं। अर्जुन के विषय में जो ये कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने उसको कहा था कि पेड़ पर रखी हुई चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है तो निशाना साधो और देखो क्या दिखाई देता है, तो सबने अलग अलग चीजें बताई, किसी को डाल, पेड़, आसमान सब दिखाई दे रहा है। अर्जुन से जब पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो वो चुपचाप एकटक एक ही जगह तीर को लगाए हुए डोरी खींचने में लगा हुआ है। द्रोणाचार्य पूछते हैं चिड़िया दिखाई दे रही है, इसने मना कर दिया जी नहीं दिखाई दे रही। डाल पेड़ की जिस पर चिड़िया बैठी है वो नहीं दिखाई दे रही। आसमान बोले नहीं, क्या दिखाई दे रहा, बोले चिड़िया की आंख जिसमें निशाना लगाना है। द्रोणाचार्य ने कहा अब तीर छोड़ने की जरूरत नहीं, तेरा तीर लगेगा ही वहीं क्योंकि तुझे देखना आ गया।
जिसका मन 10 तरफ भटक रहा है वो कुछ नहीं पाएगा, और जिसका अपने लक्ष्य पर ध्यान है तो सबसे प्यारा शिष्य बना अर्जुन। द्रोणाचार्य अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटे से भी बढ़कर निकल आया शिष्य, क्योंकि अर्जुन ने जैसा वो अपने शिष्य को चाहते थे उससे भी कहीं अधिक पाया अर्जुन को। इतना ज्यादा प्यार हो गया उसके लिए तो वो नियम धर्म भी भूल गए, एकलव्य तक का अंगूठा मांग लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रत्याहार वाले बनते हैं, कहीं भी भटकाव नहीं है, एक जगह मन टिकाने वाले बन जाए तो ध्यान घटेगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून कार्यक्रम की रूपरेखा। 29 जून आशीर्वचन सायं 5 से 7 बजे, स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, जीई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरुदर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन, प्रातः 8:30 से 11 बजे, विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे, स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग, आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई 2024, गुरुदर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं सत्संग, समय प्रातः 9:30 से 12:30 तक, सायं 5 से 7 बजे, स्थान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, स्वारगेट, पुणे, आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। संपर्क सूत्र आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 7 जुलाई 2024, गुरुदर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन, समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे, स्थान वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा रोड, ईस्ट मुंबई, आयोजक वरदान लोक आश्रम। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। कार्यक्रम की रूपरेखा, शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्ति पाठ क्रिया, सायं 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग, स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085, आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।